and Team Kala. My name is Ruchika Kapoor Sheikh and I'm part of the films team at Netflix India. So today as we launch the trailer of our fabulous, very ambitious film Kala, we've already had a great year with a stellar lineup of films from Darlings to Jogi to the very recent Monica, Oh My Darling. And we're hoping the momentum of fantastic content continues with Kala, which has been helmed by the extremely talented Anvita Dutt. This film is very, very close to our hearts for many reasons, but the top reason remains our return with Karnesh from Clean Slate Films, as well as the duo Tripti Dimri and Anvita from Bulbul, which was a tremendous success and broke many barriers and achieved many milestones across the globe when it released. Also, Kala is very special because we are thrilled to launch the debutant, Babil Khan. Welcome to the Netflix family, Babil. Welcome to the movies, Babil. And सबसे पहले तो आप सबको ढेर शुभकामनाएं यार. एक बार जोरदार ताली हो जाए. मुझे मतलब माहौल में ऐसा लगा कि जैसा होता है ना कि सुन से हो गए क्या, मतलब जैसा शौक उनको लगा. इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतना कुछ लगा जिस शुरुआत जिस टोन पे हुई और फिर कहीं आप हमें ले गई और फिर जो पटक के आपने एक जिसको कहते ना थोड़ा सा एक सस्पेंस, थोड़ा सा थ्रिल भी डाला है. तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उनका ये मन था फिल्म बनाने का और कहानी इतनी स्पेशल थी, इतनी लेयर थी, बहुत साइलेंसेस हैं कहानी में, कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, द वर्ल्ड इज इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक जैसे अमित ने कहा कि पोएट्री है अनिता की डायरेक्शन में, स्टोरी टेलिंग में, सो ना कहना तो बहुत मुश्किल था. बट आई थिंक उसके बाद जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया फिल्म आगे बढ़ाएंगे, तो उसके बाद बहुत मेहनत हुई फिल्म लिखने में. आई थिंक हमने 15-18 ड्राफ्ट कर रखे. 19 मैंने 15 ही पढ़े. मैं वही कह रहा हूँ, प्रोड्यूसर कह रहा पहले 15 दिखा यार, बाकी ठीक है. तो आई थिंक वो प्रोसेस था, वो प्रोसेस अनविता के साथ काम करने का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ना सिर्फ कहानी पे बट वर्ल्ड बिल्डिंग का जो उनका प्रोसेस है. सो उनका आर्ट कैसा होगा, उनका म्यूजिक कैसा होगा. सिद्धार्थ दीवान उनकी फिल्म में रहते हैं तो वो वही थे, तो वो आए. सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार प्रोसेस है अनविता के साथ फिल्म बनाना. तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि पूरा माहौल कैसा रहेगा, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म हैज बीन म्यूजिक, बिकॉज इट इज म्यूजिक व्हिच टेक्स यू बैक इन दैट एरा एंड द रेस्ट ऑफ द सोल. और जब बात ड्रीम टीम की कर रहे हैं, आपने भी कहा कि भाई हाँ हो गई सब चीज़ों की, और कितना बेहतरीन परिवार लग रहा है. अमित सर मैं आपसे पूछ रहा था, ये भी एक ओटीटी के अब हो गए अमित जी, मैं ये पूछ रहा था कि इस फिल्म में वरुण भाई भी एक्टिंग कर रहे हैं, सोनम जी भी एक्टिंग कर रहे हैं, आपके लिए रोल नहीं मिला, इन्होंने क्या किया? मैंने पूछा था अनविता जी से कि मेरे लिए कुछ, आप बताइए. I just said he has so much presence, सबको खा जाएगा. Exceptional talent, exceptional talent, क्या बात है. और भाई आप इतने गिफ्टेड हैं, इतनी बेहतरीन चीज़ें लिखी हैं आपने इन द पास्ट एज वेल, इस तरह के माहौल को क्रिएट करना ये चैलेंजिंग होता है या ये एक कहते हैं ना कि ये तो होम पेज हो गई, अरे यार शुक्र है ऐसा माहौल मिल गया अब देखो. नहीं, ये तो बहुत खुशकिस्मती होती है ऐसे लिरिक्स राइटर्स की, म्यूजिक कंपोजर्स की, कि ऐसी फिल्म मिले जिसमें म्यूजिक इज द सोल ऑफ द फिल्म, म्यूजिक इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म, द सेंट्रल कैरेक्टर इज अ म्यूजिशियन सिंगर. तो बहुत मजेदार चैलेंज था, प्लस अनविता बीइंग द लिरिक्स राइटर डायरेक्टिंग द फिल्म एंड आस्किंग अस अदर यू नो फेलो लिरिक्स राइटर्स टू राइट फॉर हर, इट वाज अ प्रिविलेज. एंड देन दोस्ती भी हमारी इतनी अच्छी है कि हमको बहुत बहुत मजा आया इस फिल्म पे काम करने में. और आई थिंक एवरी लिरिक्स राइटर, ऑल ऑफ अस, आई कैन से फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम सब बहुत प्रिविलेज थे कि इस फिल्म में काम. करने जी बता रहे थे, कह रहे इतने पैसे ले लिए इसने लिखने के, मैंने कहा दो दिन छुट्टी भी करा लो उससे, ऐसा हुआ नहीं? और इस दिया उन्होंने इतने काम लिए कि हम 4 दिन एक्स्ट्रा शूट कर पाए. सो स्वीट. मैं आप दोनों से भी ये पूछना चाहूंगा, व्हाट वाज द चैलेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी चीज है कि आपके लिए क्या चैलेंज रहा है इस तरह वो वर्ल्ड क्रिएट करके लिखने में. I'll have to invent a challenge.
because it was absolutely a joy. Not that ki zimmedari ka kaam nahi tha, niklaja purpose nahi tha, lekin waqai mein hum ek dusre ke kaam ki itni izzat karte hain aur waqai mein dost hain. So it was fun, and it was fun, responsible fun, and we all kind of rose to the vision of the creator of this world of kala, which is Anita. और नौकरी खोने का खतरा बहुत बड़ा था, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो वो लिख लेगी दो मिनट. ये सबसे बड़ा नहीं, मैं भी सोचा था कि कोई तो बोलेगा हमें ये था कि हमें रखना है, क्यों लिखा, तुमने खो दिया है. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर, क्योंकि जैसे बड़े भाई बताते हैं कि सोल है, यू नो दिस इज द वर्ल्ड, और वो जो जो एक शब्द आप लिख रहे हैं इतनी अहमियत है जितनी एक किरदार की परफॉर्मेंस की है. सो उस जोन में यू नो टू लिव अप टू द डायरेक्टर्स एक्सपेक्टेशन, या आइडियाज बहुत ज्यादा आ रहे थे कि भाई आपके पास यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्लेइंग. आई अप्रूव द फर्स्ट थिंग दैट दे ऑल रोट. द फर्स्ट थिंग दैट अमित त्रिवेदी कंपोज्ड वाज अप्रूव्ड, बिकॉज़ सी हम लोग बहुत एज अ लिरिसिस्ट, हम लोग मैं काफी सेशंस में बैठती हूँ, और हम वी डील विद द थिंग्स, ये हमें आता है, जैसे आपको आपका काम आता है. सपोज यू आर sitting here, noting down your questions or whatever, और कोई यहाँ आके बोले कि यार यहाँ से ना कॉमा हटा दे और ये बोल दे और फोन को ऐसे मत पकड़ और बैग को नीचे रख दे. तो वो जाहिर है, इट्स अ कमीशन जॉब व्हेन वी राइट फॉर फिल्म्स. उसमें डायरेक्टर का विजन होता है, प्रोड्यूसर का पैसा होता है, लेबल की रिंगटोन्स की रॉयल्टी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें, एंड कैरेक्टर एंड स्क्रिप्ट. सो वी राइट टू दैट. सो आई सेड अगर ठीक से ब्रीफ दी जाए, अगर स्क्रिप्ट समझाई जाए, तो कोई अपना काम ठीक से क्यों नहीं करेगा. सो दे ऑल न्यू द फिल्म. सो व्हाट दे डिड द फर्स्ट टाइम वाज परफेक्ट. फैंटास्टिक. देखिए हमने और कुछ नया करते हैं मेरी आवाज के साथ, और अनविता जी ने चूज किया, अमित सर ने मुझे उस मकाम पे माइक पे खड़ा किया. सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक्टर के लिए सारे गाने गाना, उसकी आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आज के समय में, जहाँ पे एक गाने में 6 सिंगर होते हैं. तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ. थैंक यू सो मच. अनविता एंड मीना एक अभी हमने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है, जहाँ पे we built the character from the age of 5, which is what we did for our first film Bulbul, and we followed the same process here. And we built the backstory from the age of 5 up to the age that is there in the script, so that I know everything about the character, so that I know the character that I'm playing as well as I know myself. And I think that is very, very important. It really helps me understand my characters better. And since I'm playing a singer in the film, she was kind enough to take me to Goa with everybody sitting here. And we were there for 2 days. I got an opportunity to see how music is created. I got to see Amit Trivedi create magic in that room in just a span of 2 days. And all of them, you know, I was a witness to a scene where all of them were sitting and writing their songs, and it was so beautiful, because you hardly get to see something like this where contemporaries are sitting and, you know, laughing about cracking jokes and you know, working, helping each other out. It was a rare sight, and there was so much for me to absorb. I also observed Srisha a lot while she was recording in the studio, and I remember when me and Anvita went into the studio for the first time, we had tears in our eyes when we heard her sing the first time. And it was a beautiful, beautiful experience. जहाँ तक bonding की बात करें, सबके साथ पट जाती है मेरी. It was very special to work with everybody. Babil, Swastika ma'am, Amit sir, Swanand sir, Varun sir. We were just like a family working together. जब फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, एक दिन ऑफिस से रात को मैं घर पे आया और टीवी पे इंडियन आइडल चल रहा था, एंड मैंने देखा भी नहीं. यूजली मैं आता हूँ, सीधा बैठ जाता हूँ खाना खाने, तो मैं बैठा और ये गा रही, और मेरी मॉम और डैड यहाँ पर है, तो मैंने उनको बोला कि इनकी आवाज़
बहुत ही अच्छी है और इनके साथ हम कभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन अन्विता ने बोला ये पिक्चर में गाना करना। सो यू नो इनकी आवाज ही इतनी अच्छी और क्या बोलूं मधुर एक लिरिकल है कि इट वाज अ नेचुरल फिट। अभी हाल ही में देखा तृप्ति बहुत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड म्यूजिशियंस लाइक पवनदीप लाइक विशाल लाइक शंकर जी इन सबके साथ पिक्चर्स हैं वो इफ यू कैन एक्सप्लेन वो सब क्या है तो shouldn't actually spoil it for you. You know, Kala, just to take a leap out of what everyone has said, is such an experience just like most of Anvita's work. I think when someone asked me, how I felt after watching the film, I'm like, very often you can say, this is the plot of a film, this is what it's trying to tell you. But I think with Anvita and Tripti and Karnesh, it's a visceral feeling. It's a feeling, it's not a film. And I think as Netflix, we are just so proud that we're able to give space to that feeling so that, you know, connoisseurs of music and art and films in its true sense can really enjoy it. So I will do no spoilers for you because Anvita's work has to be felt. So, which is why we're just either singing for you or we're telling you come and feel it. So I can't sing, which is why we have these diggaj on the stage today. But yes, please come and enjoy the feeling on the 1st of December on your Netflix. 2 years ago, when we shoot kar rahe the, tab ye pressure haavi padta tha. डरा देता था मुझे, अब डराता नहीं है, मोर जस्ट मोटिवेट्स मी टू गेट आउट ऑफ बेड एंड वर्क। आई थिंक या प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है मेरे अंदर। अपने पिता की किन खूबियों को लेके आप अपने इस कैरियर को शुरू करना चाह रहे हैं, अपने फादर की जो क्या खूबियां जो आप क्या खूबियां हां जो मैं आपके लिए जो आप अपने साथ रखना चाहेंगे अपने कैरियर में? मेरे फादर की जो खूबियां थी आई थिंक वो लेके चले गए, अब मैं अपनी खूबियां एक्सप्लोर करूंगा। पूरी दुनिया में काम करते हैं और हमारे मिलने का एक कॉमन ग्राउंड ये होता है कि वहां ऐसे काम होता है वहां ऐसे काम होता है। अब अन्विता जब कह रही है कि मेरी फिल्म के लिए एक एक गाना लिखेंगे तो उसको कोई गरज नहीं है कहने की, वो खुद लिख सकती है सारे गाने। तो जब वो ये कह रही है वहीं पे प्योरिटी आ गई, उसके अंदर प्यार आ गया उसके अंदर, क्योंकि वो चाहती कि हम में से जो भी बेस्ट दे सकता है उसमें से वो उसमें लेना चाहती है। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे लिए बनाना चाहती है जहां पे सिर्फ गाने के लिए गाना बने, लिरिक्स के लिए लिरिक्स लिखे जाए, ये नहीं कि ये चलेगा, प्योर फॉर्म में प्यार के फॉर्म में लिरिक्स आए। और वही अन्विता ने हमारे लिए बना के दिया एटमॉस्फेयर। और अन्विता कहानी इतनी खूबसूरत सुनाती है कि आप उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर लो ना तो भी वो एक अपने आप में फिल्म है। तो उसमें मुझे ये दुनिया में लेके गए और था 40s 50s का म्यूजिक। अब 40s या 50s का म्यूजिक यहाँ पर इस रूम में किसने नहीं सुना, कौन सुन के बड़ा बड़ा नहीं है, मतलब हमारे सिस्टम में हमारे धुन में, मतलब मेरा तो बैग नहीं, बिकॉज इतने गाने सुने हैं बचपन से। तो जब इस दुनिया को रिक्रिएट करना था, जैसे मैंने पहले कहा यस मुझे डर लगा बिकॉज एक बहुत ही अलग और यूनिक दुनिया है, तब तक पैदा नहीं हुआ था, उसको स्टडी करना, उसके साउंड को, उस इंस्ट्रूमेंटेशन को, ऑल्सो कंपोजर्स को जो उस वक्त थे, जो सलील चौधरी साहब हो गए, अजीब अहमद साहब हो गए। तो मैं अपने आपको उस धारा में डाल दिया कि अगर ये कहानी एच डी बर्मन साहब सुनते यही कहानी तो वो एज ए कंपोजर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो उनके हेड में जाने की कोशिश की। ऑफकोर्स ईजी नहीं है उस तरह की चीज़ें की, और ऑफकोर्स आप सुन के भी पता लगा सकते हैं कि जो उस दौर की साउंड स्केप थी, इंस्ट्रूमेंटेशन थी, उसको इस दौर में एग्जैक्टली उसी तरह से रिकॉर्ड किया। सारा कुछ लाइव है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइव है, सबके सब लोगों ने साथ में मिलके बजाया जैसे पहले होता था। तो जो प्रोसेस है वही फॉलो किया जो 1940 में होता था। एक साथ हम कुछ 10-12 म्यूजिशियंस
और कुछ कुछ गानों में ज्यादा सिंगर्स भी एक ही रूप में, म्यूजिशियंस भी एक ही रूप में, और सब कुछ एक ही रूप में हुआ है इस, ये मतलब आज के दायरे में नहीं होता बट वो हुआ है इस फिल्म ने किया है। थैंक यू अमित जी। देखिए सवाल इंस्पायर नहीं हुआ, मैंने सिर्फ कला की दुनिया को मतलब समझा हुआ, और जो वर्ल्ड अमिता जी क्रिएट करना चाहती थी स्क्रीन पे, मैं बस वही म्यूजिकली ट्रांसलेट करना चाहता हूं। नहीं, यू आर टेकन दैट और आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन इंस्पायर तो हुआ है आपको, बिकॉज़ द सब्जेक्ट उसके उनके बिकॉज़ द स्टोरी इन्वॉल्व्स म्यूजिक ना, इंस्ट्रूमेंटेशन आपको फैमिलियर लगेगी, नॉट द कंपोजिशन। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोला, मैं बोला इंस्पिरेशन लिया आपने वही और से, जैसे एच डी बर्मन, शंकर या किशन, जी जी जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन अमिता जी, वेरी नाइस टू यू। आई एम रमेश राव फ्रॉम सीने आजकल मैगजीन। थैंक यू सर, गुड टू मीट यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, परिवार इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो पहले बोल रहा था अक्षरी का माहौल सा लग रहा है, बट मैंने जैसे कहा कि रियाज का टाइम है, रुचिका बता रही थी डेबिटेंट को मौका मिलता है, अमित सत्य शिव के पहुंच जाऊंगा मैं, सीक्वल सीक्वल बन जाएगा इसका मुझे पूरा उम्मीद है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू नो टू पोस्ट फॉर द पिक्चर्स एज अ पहले फैमिली फोटो हो जाए फिर सोलो करते देखिए प्लीज। सो ऑल दोज हु आर टेकिंग पिक्चर्स कैन स्टेप फॉरवर्ड, वी हैव वन ग्रुप पिक्चर, खड़े होके फैमिली फोटोग्राफ। अमित जी आप तो ऊंचाई पे ही जा रहे हो, आपकी ऊंचाई भी हिट हो गई।